दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरत विजय सवाणे चैनल में। और दोस्तों, आपको सबको पता ही होगा कि हाल ही में एक मूवी आई है एमेजॉन प्राइम पे जिसका नाम है जुबुक, और जिसमें अपना हमें इमरान हाशमी दिखाई देते हैं। और हम ये नाम सुन के, मुझे एक हमारे मराठी में ऐसे कहते हैं कि अगर पानी में पत्थर गिरता है या फिर ड्रिंक में अगर बर्फ गिरता है तो आवाज कैसे आती है, डुबुक। सो जब मैंने ये मूवी का ट्रेलर देखा था तब मुझे डुबुक ये कुछ नाम अजीबोगरीब लगा था। एक्चुअली डुबुक नहीं, वो डिबुक है, बट फिर भी ऐसे ही हम लोग टाइम पास में डुबुक 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 ऐसे करते थे। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये डिबुक का बॉक्स या डिबुक एक्चुअली एक रियल स्टोरी है या फिर एक खाली ये मूवी के लिए बनाया गया है। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया, आई थिंक मुझे आपको विकिपीडिया पे भी ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दोस्तों, डिबुक एक ज्यूइश माइथोलॉजी में एक्चुअली टर्म है, और जैसे हमारे यहाँ के भूत होते हैं, मतलब प्यासी आत्मा, पुराना मंदिर, मतलब रामसे ब्रदर्स वाले सब भूत, या फिर उर्मिला मातोंडकर में जो भूत घुसा था वो वाला भूत, सो वो सब भूत और इस डिबुक, इस भूत में कोई फर्क नहीं है। मीनिंग सेम है कि एक प्यासी आत्मा जो उसके होस्ट के शरीर में तब तक बनी रहती है जब तक कि उसका गोल फिनिश ना हो जाए, और एक बार उसका गोल फिनिश हो जाने पर और एक बार उसका गोल कम्प्लीट होने के बाद वो उस बॉडी को ऐसे ही नहीं छोड़ती है, वो आदमी भी मर जाता है जो बेचारा होस्ट के रूप में था, या फिर एक्सोसिज्म के रूप में उसको बाहर निकालना पड़ता है उस आत्मा को। सो सॉर्ट ऑफ हमारे यहाँ के देसी भूत जैसे होते हैं, वैसे ही वहां के ज्यूइश भूत है जिसका नाम रखा गया डिबुक। अब ये डिबुक बॉक्स क्या है, इसके बारे में भी आपको विकिपीडिया पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो डिबुक बॉक्स एक्चुअली एक वाइन कैबिनेट है। क्या यार, भूतों ने वाइन को भी नहीं छोड़ा है। क्या यार, ये भूतों ने वाइन कैबिनेट को भी नहीं छोड़ा है, लगता है वहां के भूत भी अल्कोहलिक रहेंगे, आपको पता नहीं। सो ये बेसिकली एक वाइन कैबिनेट है जिसका नाम रखा गया है डिबुक द बॉक्स, और ऐसे माना जाता है कि वो एक हॉन्टेड बॉक्स है। और ये बॉक्स जो है वाइन कैबिनेट का, या फिर ये डिबुक द बॉक्स जो है, उसने पॉपुलैरिटी तब गेन किया था जब इसके ओनर ने, जिनका नाम था केविन मैनिस, उन्होंने ईबे पे इस बॉक्स का ऑक्शन रखा था, और वो क्लेम कर रहे थे कि ये बॉक्स जो है वो एक ज्यूइश हॉलोकास्ट सर्वाइवर का है। हॉलोकास्ट सर्वाइवर का मतलब, जब नाजी जर्मनी ने पॉलिश ज्यूज को लाखों की संख्या में मार डाला था, उसमें से जो बचे थे वो क्लेम कर रहे थे कि जो मर गए थे उनका आत्मा, उनकी आत्मा इस बॉक्स में थी। और ये बॉक्स पहले हॉलोकास्ट सर्वाइवर का था, ऐसे हमारे ओनर केविन मैनिस का कहना था, जिन्होंने 2004 के अराउंड ईबे पे इस बॉक्स का ऑप्शन रखा था। तो 2003 में पोर्टलैंड के ऑरेगन राइटर ऑफ फर्नीचर रीफिनिशिंग बिजनेस के ओनर थे केविन मैनिस, उन्होंने एक यार्ड सेल से इस बॉक्स को खरीदा था, इस वाइन कैबिनेट को खरीदा था। और उनका ऐसे कहना है कि ये वाइन कैबिनेट के पीछे जो कार्विंग्स है, या फिर ये वाइन कैबिनेट के अंदर भी जो एक पत्थर है उसके ऊपर जो कार्विंग बनाई गई है वो उन्होंने खुद ने बनाई है। और जब से ये वाइन कैबिनेट उन्होंने उस ऑक्शन में से लिया था तब से उनका बैड लक शुरू हो गया है, और उन्हें काफी सारे नाइटमेयर्स आते हैं, ऐसे उनका कहना था। इसीलिए उन्होंने ईबे के साइट पे इस बॉक्स का ऑक्शन रखा, क्योंकि वहां पे काफी सारे जन ऐसे हैं जो पैरानॉर्मल, जो हॉन्टेड डॉल्स होते हैं या हॉन्टेड चीजें होती है, उनको भी खरीदने में यकीन रखते हैं, और फिर वो रिसर्च के माध्यम से अपना एक यूट्यूब का चैनल बनाते हैं या व्हाटएवर एक शो होता है उनका। लेकिन वहां पे ऐसे भी लोग कलेक्ट करते हैं जो हॉन्टेड चीजें होते हैं वो। और फिर केविन मैनिस से ये बॉक्स जो है, ये वाइन कैबिनेट जो है, वो खरीदा जेसन हैक्सटन ने, जिनका एक खुद का म्यूजियम है। उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की जिस वेबसाइट का नाम था debookbox.com, जहां पे जो कोई भी ओनर्स होंगे इस बॉक्स के, वो सारे के सारे ओनर्स खुद की जो स्टोरी है, खुद का जो एक्सपीरियंस है इस बॉक्स के बारे में, वो शेयर कर पाएंगे। और जब ये वेबसाइट बनी तब इस वेबसाइट को लाखों की संख्या में व्यूज मिले, और ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक था वहां पे। यहाँ पे तो हमें कुछ पता भी नहीं था जब तक ये मूवी नहीं आया तब तक, बट वहां पे काफी ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था। इनफैक्ट ये इतना ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था कि इस पे एक मूवी भी आ चुकी है जिसका नाम है द पोजेशन, और जो रिलीज हुई थी 2012 में। सो जो केविन मैनिस है, जो ओरिजिनल ओनर थे इस बॉक्स के, उनसे ये राइट्स ले लिए गए थे इस बॉक्स के। फिलहाल इस बॉक्स के लेटेस्ट ओनर है जैक बैगन्स। जैक बैगन्स आपको पता ही होगा, जो गोस्ट एडवेंचर्स एक फेमस हॉरर शो है वहां का, पैरानॉर्मल शो है, उसके एंकर और प्रोड्यूसर है, और उनका भी खुद का एक म्यूजियम है, हॉन्टेड म्यूजियम। तो फिलहाल ये जो वाइन कैबिनेट है, जो बुक द बॉक्स है, वो फिलहाल जैक बैगन्स के म्यूजियम में है। सो जब ये वाइन कैबिनेट जब जैक बैगन्स के म्यूजियम में था, तभी एक रिसर्चर है जो ऐसी हॉन्टेड चीजों पर रिसर्च करते हैं, और वो देखते हैं कि ये वाकई में हॉन्टेड है या सिर्फ इस चीज को बेचने के लिए कहानियां बनाई गई है। तो उनका नाम था, उस इन्वेस्टिगेटर का नाम था केनी बिडल। उन्होंने जैक बैगन्स के म्यूजियम में इस वाइन कैबिनेट का रिसर्च किया, और उनका ऐसे मानना है कि ये वाइन कैबिनेट जो है वो एक्चुअली ज्यूइश वाइन कैबिनेट है ही नहीं, बट इंस्टेड ये एक न्यूयॉर्क का मिनी बार है। सो पोपटी कर दिया उन्होंने बोला, और उनका ये कहना था कि जस्ट बिकॉज ये चीजें बिकनी चाहिए, इसलिए जो कुछ भी बैक स्टोरी है ये वाइन कैबिनेट या डिबुक द बॉक्स के पीछे,
वो बनाई गई है, लेकिन एक्चुअली ये वाइन कैबिनेट स्पेन से है ही नहीं, ये वाइन कैबिनेट है न्यूयॉर्क से। सो काफी कुछ जुगाड़ वहां पे भी होते हैं खुद की चीजें बेचने के लिए। और मीनवाइल जो ओरिजिनल ओनर थे इस बॉक्स की, उन्हें इस बात का इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाल दी थी कि मैं ओरिजिनल ओनर हूँ रीबुक द बॉक्स का, और अगर आप जो उनकी पोस्ट थी जो उन्होंने ईबे पे इस बॉक्स का जब ऑक्शन किया था उसके पहले आपको रीबुक द बॉक्स की कोई भी जानकारी अगर किसी भी वेबसाइट पे या ऐसी कुछ मिली होगी तो मैं आपको $1,00,000 पे करूंगा और आपका नाम मेरे फोरहेड पे टैटू भी करवाऊंगा। सो उनका ये मानना था कि वो ओरिजिनल क्रिएटर है रीबुक द बॉक्स के, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा एडमिट किया काफी समय बाद कि ये जो बॉक्स था वो उनका ही क्रिएशन था और ये जो स्टोरीज थी या जो एलिमेंट्स थे इस बॉक्स के अगेंस्ट वो उन्होंने खुद से बनाए थे इस बॉक्स को लोकप्रिय बनाने के लिए। सो दोस्तों ये है रीबुक द बॉक्स की एक ओरिजिनल स्टोरी। अभी मूवी का और इस बॉक्स का एक्चुअली कुछ रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ, लेकिन मूवी अपने जगह पर अच्छी है, ना कुछ ज्यादा डरावनी है ना ज्यादा बोरिंग है, ठीक ठाक है। ये बॉक्स की भी स्टोरी वैसी है, पहले लग रहा था कि काफी कुछ एंशियंट माइथोलॉजी से ये बॉक्स बिलोंग करता है, लेकिन बाद में समझा कि पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए काफी सारी चीजें इस बॉक्स के आसपास बनाई गई है। सो आई होप आपको रीबुक द बॉक्स के बारे में ओरिजिनल स्टोरी क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, इसकी जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद।